हैं और आज हमने एक वॉक निकाला है। कृषि भवन में हमारा कार्यालय है, वहाँ से लेकर जंतर मंतर तक, ताकि हम इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों में वो भावना जगाएं। दिवस के अवसर पर देखिए कि सरकारी महकमे के लोग भी आज उसको मना रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किस तरह से फिट रखा जाए, शरीर फिट रहेगा। खेल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। जो लोग खेलते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, दिमाग भी अच्छा रहता है और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो अब जब ये भाव आ गया है सरकारी तंत्र में भी, तो जो सरकारी विभाग हैं वो भी कमर कस लिए कि अब फिट बनेगा इंडिया, तभी तो हिट बनेगा इंडिया। तो इस विषय को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात करते हैं उन्हीं से। मैम, क्या नाम है आपका और किस विभाग से हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सिंह है और हम सभी लोग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार की तरफ से हैं और आज हमने एक वॉक निकाला है। कृषि भवन में हमारा कार्यालय है, वहाँ से लेकर जंतर मंतर तक, ताकि हम इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों में वो भावना जगाएं कि लोग स्वस्थ रहने के प्रति और जागरूक हों। जैसे कि एक जॉब होता है या नौकरी होती है तो उसमें लगातार सुबह उठना एक लाइफ ऐसी हो जाती है, खासकर महिलाओं को तो डबल काम करना पड़ता है, परिवार को भी अपना देखना है और अपना वो देखना है, तो स्वास्थ्य कहीं पीछे रह जाता है। तो क्या क्या पार्क वगैरह या कहीं कुछ दिनचर्या में शामिल है या नहीं? एक्चुअली हमारा ऑफिस तो काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है तो हम उसी के एक दो चक्कर लगा लेते हैं, तो उसी से हमारा हो जाता है। दूसरा ये है कि लिफ्ट की जगह हम लोग स्टेयर्स यूज़ कर लेते हैं। अगर ऑफिसर में हमें बुलाते हैं ऑफिसर्स वगैरह तो बजाय लिफ्ट यूज़ करने के हम लोग स्टेयर्स यूज़ कर लेते हैं, तो हमें लगता है उससे ही थोड़ा बहुत हमारा मतलब वॉक वगैरह हो जाता है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि जितना थोड़ा बहुत रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वॉक करना और प्रॉपर तरीके से, जिसमें आप सारी एक्सरसाइज मिक्स हो, जिसके अंदर स्ट्रेचिंग भी हो, जिसके अंदर थोड़ा सा वेट के लिए भी एक्सरसाइज हो, तो वो उस तरह का कुछ है क्या आपके ऑफिस में, जिम वगैरह? हमारे ऑफिस में जिम था पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो थोड़ा बंद हो गया है। तो शायद दोबारा से मुझे लगता है वो स्टार्ट हो गया है, जिम स्टार्ट हो गया है। साथ साथ तो हमारे ऑफिस में हम लोग योगा वगैरह पे भी सेशन करवाते रहते हैं, उसके लिए हमारे मुरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है। मतलब सरकार को पूरी तरह से फिट रखना है, मोदी जी का मंत्र है। जैसे वो जब मैंने देखा है प्लेन की सीढ़ियां उतरते हैं तो कभी वो साइड से पकड़ते नहीं, तो इतनी उम्र में, जब 70 साल की उम्र में जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जो हमारे जो सरकारी लोग हैं वो भी फिट रहें और फिट रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। क्या लग रहा है कि सच में लोगों में जागरूकता आई है कि सिर्फ एक नाम मर के लिए? नहीं, जागरूकता तो आई है। आज हमने प्रतिज्ञा ली है, प्लेज लिया है हम सभी ने मिलकर कि हम फिट रहेंगे और रोज़ आधा घंटा अपनी दिनचर्या में से कम निकालेंगे, ताकि हम जागरूक रह सकें, फिट रह सकें और देश के प्रगति में योगदान दे सकें। बड़े 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 फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि 25 मिनट अगर आप अपने लिए निकालते हो तो आपके जीवन के 2-3 घंटे बेहतर हो जाते हैं और ज़िंदगी भी सालों साल बढ़ जाती है, बीमारी से दूर हो जाते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसके साथ साथ आप लोग कर रहे हो, तो मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मदन मोहन मौर्य है। सर, आप काफ़ी फिट लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 57 है। 57 के बाद भी मतलब आपने काफ़ी मेंटेन किया, क्या रेगुलर एक्सरसाइज? रेगुलर एक्सरसाइज, योगा डेली दिनचर्या में शामिल है। आपकी दिनचर्या में शामिल है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल भी, खान पान में भी बहुत नियंत्रण है, नियंत्रण करना। जी जी जी। देखिए, ये देखिए काफ़ी सारे जो महकमे से हैं और खाद्य और वितरण मंत्र, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जो विभाग है उससे हैं, और देखिए खाने की बात आई है तो खुद के खाने पे नियंत्रण की बात कर रहे हैं कि भाई अपना भी खाना नियंत्रित करो, कुछ भी नहीं खा लेना है, हेल्दी फूड खाइए, शरीर को सही रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और बढ़ती उम्र के साथ आपको देखना पड़ेगा कि अपने शरीर को जवानी के अंदर तो पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको 25-30 मिनट अपने दिन में देने ही पड़ेंगे, तब जाके आप हेल्दी लाइफ जी सकते हो। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बीमार व्यक्ति समाज के लिए बोझ है, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए बोझ है, और ये जागरूकता जो अभियान चलाया है सरकार ने, इसके प्रति लोग जागरूक हों और इसको अपनाएं, स्वस्थ रहें, तभी हमारा इंडिया फिट रहेगा और हिट रहेगा। फिट रहेगा और हिट रहेगा। एक बात और, क्या ये सिर्फ एक विभाग की बात है कि सभी विभाग में चल रहा है? सभी विभाग में। तो देखिए किस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम अपनी जो सरकार के अंग हैं, कर्मचारी हैं, वो फिट रहें, और वो फिट रहेंगे तो सरकार की एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की दक्षता और क्षमता दोनों बढ़ेगी, साथ साथ
उनका अपना व्यक्तिगत जीवन भी बेहतर होगा। आपको क्या लगता है कि सरकार का ये इनिशिएटिव तारीफ के काबिल है? तारीफ के काबिल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।